धाम मुक्त के माई समावे। कर्मा भिले नहीं को ब्रह्मा कंदा केवल जाय भयो रे।
सदगुरु की कृपा से ही लागा है। कोई ने जीवन में भक्ति रोंगो देवियो तो मारा सदगुरु के द्वारा ही पियो। देखो सदगुरु की कृपा कैसी है। महाराज आमेर में पठान था रजब जी, मुस्लिम था, नाम हो रजब अली खान। आप जो बरात रवाने में और इधर आगे जाना हो तो पतो चलियो कि बीच रास्ता में दादू दयाल जी महाराज संत विराजे। तो नी वे तो रास्ते चलता दादू जी महाराज दर्शन करा। रजब जी महाराज सिर माथे जो सेरो पेनियोड़ा एकदम दुल्हारा वेश में बीच रास्ता में जाए दादू जी महाराज रे पास में जाए प्रणाम करिया। काफी मुस्लिम लोग भी साथ में हा। दादू दयाल महाराज समाधि में बैठा था। मैंने पतो नहीं चालियो कोई मारे पास में कौन आयो है। तो सात वाला क्यों भी अब चाला रजब। तो रजब जी क्यों नहीं एक बार ऐसा बड़ा जो महापुरुषों का दर्शन लिया है तो एक बार ए मन नजर से देख लेवे, ए मन कोई एक दो बात कह देवे तो फिर पाताला। ऐसी बात सुनता ही दादू जी महाराज समाधि खुली और दादू जी महाराज फरमाया परतम नहीं कई नाम है भाई क्यों रजब किधर जा रही है। वेशभूषा देख लो भगवान मैं तो परणी जी जा रही हूं। दादू जी महाराज ने मुखार बिंद सो सब निकलिया। आया था किस कारण सेवा कारण साध सरे ने को काज रजब तूने गजब किया सिर पर बांधिया मोड़। आया था हरी भजन को पर करी नरग ने ठोड़। सदगुरु जी महाराज की रजब तूने गजब किया सिर पर बांधिया मोड़। आया था हरि भजन को करी नरक ने ठोड़। आया था किस कारण ये सेवा कारण साध दादू भूलिया बंद की सरे ने को कार। अरे जीवन क्यों मिलियो है मारा जीवन तो सेवा वास्ते मिलियो है, जीवन बंदगी वास्ते मिलियो है, जीवन परमात्मा का भजन वास्ते मिलियो है। और ये अनमोल जीवन ने और ये अनमोल जीवन की जो घड़ी है इन्हें यदि और कोई काम में बितावा और कोई विचारा में आप खोवा तो निश्चित ही अपनी बहुत बड़ी भूल है। दादू जी महाराज ने ऐसा शब्द सुनिया और शब्द सुनते जीवन में जागृति आएगी और सिर माते जो शेरो हो वो अपना सगा भाई अजब अली खान रे माते रख दियो। अब परणी जी ने थे जवाब तो मैं तो गुरु महाराज की सेवा में ही रहूंगा। धन्य ऐसा महात्मा ने मुस्लिम लोग विरोध करियो क्यों दादू जी कोई तांत्रिक है तो कोई छोरा माते कोई तंत्र मंत्र कर दियो तो क्यों रे भाई मारो ही नहीं। मार्ग में दौड़िया तो रजब जी महाराज की होगी जा की थी क्या की रही मियां मत कर रोस रजब बंदा राम का क्या दादू का दोस्त।
आ तो रजब राम जी रो बंदो है, इन दादू जी रो कोई प्रकार रो दोष नहीं मारा। ओ तो राम जी रो बंदो हो पर कुछ कारण सु भूल गो परमात्मा में, परमात्मा ने आज दादू जी महाराज का शब्द रो वचन लागा और फिर से जीवन परिवर्तन हो गयो। निश्चित ही सदगुरु री कृपा रे द्वारा, सदगुरु री मेहर रे द्वारा ई जीवन में जागृति आवे तो महाराज जी के जाग्या भाग पूर्वला संचित समृत हाथ धरियो रे मार उड़ी मारी नींद सपन से जाग्यो और गुरुगम सेल भयो रे महाराज कोई पूर्वला भाग्य हा और वे भाग्य संचित था हृदय में और निश्चित थी केवे ने कि भाग्य बिना मिलता नहीं बलि वस्तु का बहुत साग दाग पड़े वे साग लेर वे कागों के गण भाग्य ने बिना कोई भी चीज है जी की हासिल करनी बहुत मुश्किल है। भाग्यवान को याद भी रहे मेरे महाराज अच्छा माता पिता संस्कारी माता पिता रे घर महाराज जैसा माता पिता मिले भाग्यशाली आदमी रे बिन संस्कारी पत्नी मिले भाग्यशाली कोई जीव रे वे तो बिन संत समागम मिले वो सुकृत रो काम कर सके वरना कोई जगत में असुकृत करनी चाहे कोई गलत करनी नहीं चाहे कोई भूखा मरनी नहीं चाहे कुण चाहे हमारे घर में कड़क कड़क मारे हमारे घर में भी प्रेम रेवे पर महाराज बिना भाग्य ये चीज मिले नहीं। ईश्वर राम जी महाराज कह रिया है जाग्या भाग पूर्वला संचित समृत हाथ धरियो रे और उड़ी मारी नींद सपन सु चेतियो और गुरुगम सेल भयो रे। अपा लोग अचल राम जी महाराज जैसे ईश्वर राम जी महाराज कह रिया है कि मैं महाराज जी नींद में सुतो और निश्चित थी जिका लोगों के जीवन में भक्ति नहीं है सेवारा संस्कार नहीं है और ज्ञान गुणरी बात नहीं है निश्चित ही वे लोग की मानव जन्म में सुता ही है और जागता कौन है जिगा सेवा में बंदगी में सुकृत में भजन में लागा निश्चित ही वे जागता है महाराज। दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में लिखियो कि दरिया सुता सकल जग जागत नहीं है कोई और जागे में फिर जागना और जागा कहिए सोई। जो मारा जीवन में जागृति लावे परमात्मा की भक्ति री तरफ लागे निश्चित ही वे जागता है। तो मारा और लिखे कि अकल अरूपी ब्रह्म अखंडा और खोजित आनंद भयो रे और मिटगा कतिया कर्म बरम से भागा बहुसिंधु पार कियो रे अब के सदगुरु तार लियो रे। ये महाराज गुरु री कृपा रे द्वारा ये भरम और कर्म मिटिया करे इन वास्ते संत जो वाणी है चाहे कबीर साहब जो हजारों साल पहले आसो संत महात्मा विया दादू दयाल महाराज विया दरियाव जी इत्यादि संतिया आपकी वाणी बिल्कुल भरम तोड़ वाणी है इन वास्ते महाराज ये संता की अनुभव वाणी में सुन और अनंत आनंद की जीव जागा है और परमात्मा रा भजन में लागा है और परमात्मा रा जो भजन में लागा है जीव अनंत सदगुरु कबीर साहिब मान सम्राट महात्मा हुआ मैं देशाटन करता करता पंजाब में पधारिया तो पंजाब में सिख धर्म रा प्रथम गुरु नानक देव जी भी नानक देव जी भी कबीर साहब के वचनों बहुत प्रभावित थे और पंजाब की भूमि माते राम भक्ति ने देख सेवा सुकृत की भावना ने देख लोगा का विचार ने देख और कबीर साहब बहुत प्रसन्न हुआ और कबीर साहब ने पतो चालियो नानक देव जी जैसा बड़ा महात्मा है कृपा है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग महात्मा की कृपा रिया करी जैसे इस क्षेत्र में राणा भाई जी जैसा जो भक्ति मार्ग की बहुत बड़ा साथी रिया तो मेरी कृपा है इस क्षेत्र में तो निश्चित ही कबीर साहब बहुत प्रसन्न हुआ नानक देव जी रूप पर नानक देव जी से मिलन ही हो कबीर साहब को तो कबीर साहब नानक देव जी ने आशीर्वाद दिए जो भी राम भक्ति करे जो भी गुरु सेवा करे मैं सब में ये महात्मा रहूं ऐसे आशीर्वाद है।